वहां पे, जहां पे भी आप ऐड हैं वहां पे ज्वाइन मैसेज टाइप कर दीजिए, बाकी सब लोगों को पता चल जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ताकि वो इस मीटिंग को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सके। जिन्होंने अभी आईडी एक्टिवेट नहीं की है वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी रेडी हैं मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, मीटिंग को स्टार्ट करवाने के लिए? अगर रेडी हैं तो आप रेडी टाइप कर सकते हैं, हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जिनको आपने इनवाइट किया था अगर वो इस मीटिंग में आ चुके हैं तो यस टाइप करिए, और नहीं आए हैं तो प्लीज उन्हें मैसेज करिए और मीटिंग में ले आइए। सॉरी, मेंबर से कॉल आ गया था तो डिसकंटिन्यू हो गया। चलिए तो हम फटाफट से मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सभी को बता दूं, मेरा नाम है सुखविंदर और मैं मोदी केयर में ट्रेनर। आज आप सभी के लिए एक सेशन लेके आया हूं जिसमें हम डीपली बात करेंगे मोदी केयर बिजनेस के ऊपर और इस इंडस्ट्री के ऊपर, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप अपनी जो जिंदगी में बदलाव चाहते हैं उस बदलाव को कैसे लाएंगे और किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी रेडी हैं, एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करना है। इस प्लेटफॉर्म को डीपली समझाने के लिए, मोदी केयर बिजनेस को आपको डीपली समझा पाऊं मैं, इसलिए इस मीटिंग को अरेंज किया गया है। तो आई होप आप सभी रेडी हैं, तो हम इस मीटिंग को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, आपको भी पता है कि उस तरीके से जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारे जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, और जो रोजगार बचे हुए हैं उस रोजगार में भी आज मशीनें काम कर रही हैं, जिसे बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI की वजह से बहुत सारे लोगों की जो रोजगार है, जो नौकरी है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। ज्यादातर उन लोगों की नौकरी, उन लोगों की जॉब, उन लोगों का काम, इनकम बंद हो गया है जिनकी नौकरी थी सेटिंग, यानी कि बैठे बैठे जो काम करने वाले जितने भी काम थे, जितने भी जॉब थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि उस काम को करने के लिए आज दुनिया में AI काम कर रहा है। जहां पे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठ के काम करते थे, वहीं पे एक AI, एक मशीन उस काम को कर रही है और उस काम को लगातार करते जा रही है। एक व्यक्ति पूरे दिन में 8 घंटे, 10 घंटे काम कर सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। आप मेरी बात से अगर एग्री हो तो प्लीज चैट बॉक्स में आप मेरे साथ में बने रहिए, मेरी बातों के साथ। यस, तो जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, ये लोग बदल रहे हैं, हमें भी अपना जो प्लेटफॉर्म है, पैसा कमाने का जो तरीका है, वो बदलने की कहीं ना कहीं जरूरत है।
पर आप अगर मोदी केयर में आ चुके हैं, आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे अगर काम आपने शुरू कर दिया है, तो यकीन मानिए कि आपका जो लक है ना वो कहीं ज्यादा अच्छा है। आप बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें मोदी केयर बिजनेस मिला है। आपको मैं बताऊं, लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस होते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, पर वो कामयाब तब होते हैं पहले वो दो तीन जगह पे काम करते हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं जहां पे उन्हें लॉस होता है, उनका जो टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना, 5 साल 10 साल काम करने के बाद में उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल पाता है। अगर आपको और हमें अगर ये मोदी के बिजनेस मिला है, अगर इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ अच्छा कर्म जरूर किया होगा जब जो कि हमें मोदी केयर बिजनेस मिला है। मोदी केयर बिजनेस ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आपको बदलने की जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। ऐसा नहीं है कि 2 साल ये कर लिए उसके बाद में कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी आप, राइट। ये बिजनेस बहुत ही एक सही बिजनेस है, और मैं आपको बताऊं इस इंडस्ट्री के अंदर 75% महिलाएं काम करती। इस बिजनेस के अंदर 75% आज के समय में महिलाएं काम कर रही हैं, और महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैं बात कर रहा था एआई की, एआई बहुत सारे लोगों की नौकरी को खत्म कर चुका है, और आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद में एकदम से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको अपना परिवार चलाना है, आपको एक अच्छी जिंदगी देनी है अपने बच्चों को अपने परिवार को, तो आप क्या करेंगे? इंसान के पास में दो ही बिजनेस है, या तो आप नौकरी कर लीजिए या फिर अपना कोई खुद का बिजनेस। नौकरी आपकी वैसे भी खत्म होती जा रही है, बिजनेस करने के लिए अगर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? एक गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा विचार। आपके घर में पैसा बहुत है पर आपके पास में कोई आइडिया नहीं है कि किस पे आपको इन्वेस्ट करना है, किस बिजनेस को आप बिल्ड करेंगे जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिले, तो एक अच्छा आइडिया चाहिए। वो हर किसी के पास में पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। दूसरा, अगर आपके पास में आइडिया है तो फिर आपको दूसरा जो चीज की जरूरत है उसे बोलते हैं कैपिटल, एक इन्वेस्टमेंट। पैसा चाहिए, मनी चाहिए। और अगर आपके पास में पैसा है, मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो कम से कम 20 25 30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और उस बिजनेस के अंदर भी रिस्क रहेगा, उस बिजनेस में भी रिस्क रहेगा कि ये बिजनेस हो सकता है चल जाए, बहुत बढ़िया चल जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करेंगे, जिस भी तरीके का काम आप करने के लिए निकलेंगे मार्केट के अंदर, ऑलरेडी उसी तरीके का काम मार्केट में लोग कर रहे होंगे। आप कपड़े का बिजनेस करेंगे, आप प्लास्टिक का बिजनेस करेंगे, आप किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस करें, वहां पे पहले से ऑलरेडी 10 20 50 लोग कर रहे हैं। अगर उनके साथ में कंपटीशन आपका होगा, अगर उन्होंने अपनी शॉप पे 50 लाख का पैसा, 50 लाख रुपए लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो आपको उससे डबल चाहिए। उन्होंने 10 लगाया तो 20 चाहिए, 20 लगाया तो 40 चाहिए, तभी आप उससे कंपिटिट कर पाएंगे। तो इतना बड़ा पैसा नहीं है। दूसरी चीज, पैसा लगने के बाद में रिस्क भी रहेगा, पूरा दिन आपको टेंशन रहेगी। आप चाहते हैं कि आपको कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन नहीं हो, बिल्कुल रिस्क फ्री बिजनेस हो, और एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप 10 15 20 50 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए महीना, जितना आप कमाना चाहें उतना कमा सकते। आप मार्केट के अंदर कोई भी अपना बिजनेस स्टेबल करेंगे, उसमें 5 साल आपको कम से कम लग जाएंगे। इसी तरीके का हमारे पास में बिजनेस है कि उसके अंदर आप अगर कम से कम 3 साल भी देंगे ना, तो भी आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री। किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। तो हम इसे ही बिजनेस को डिटेल में जानेंगे, और आइए मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं। उससे पहले मैं लेके चलता हूं आपको ट्रेडिशनल मार्केट। व्हाइट बोर्ड आप सभी को क्लियर होगा, अगर क्लियर तो प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ओके, देखिए, हम एक कस्टमर हैं, हम एक ग्राहक है, और हमें जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी व्यतीत करने के लिए हर रोज किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। आपको टूथपेस्ट भी चाहिए, आपको साबुन भी चाहिए, आपको
ब्रश भी चाहिए आपको, चाय पत्ती भी चाहिए आपको, मसाले भी चाहिए आपको, ऑयल भी चाहिए आपको, घी भी चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए आपको फूड सप्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो अभी तक आप कंज्यूम कर रहे थे वो आप लेके आ रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, ठीक है। और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो भी चीज आप लेके आते हैं वो एक प्रोसेस के द्वारा आप तक पहुंचता है। जो ऊपर लिखा हुआ है ये ट्रेडिशनल मार्केट है, ठीक है, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट है, ठीक है। जो भी ट्रेडिशनल मार्केट से आप तक प्रोडक्ट आता है, हम मान के चलते हैं आपकी टूथपेस्ट, क्योंकि जो हमारी शुरुआत होती है वो टूथपेस्ट से। तो जो आपकी टूथपेस्ट है वो आपको मिलती है एमआरपी पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इस टूथपेस्ट का जो प्राइस है वो है 100 रुपी, यानी कि 100 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एक दुकानदार से। वो प्रोडक्ट आप अपने घर पे तो बना नहीं रहे हैं, वो एक दुकान से लेके आए, तो वो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का मिल रहा है कहाँ से, रिटेलर से। और ये रिटेलर भी खुद नहीं बना रहा है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आ रहा है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेके आता है, एक होलसेलर से, और एक होलसेलर लेके आता है डायरेक्ट एक कंपनी के कंपनी से। अब मैं आपको बताऊंगा ये 100 रुपए का जो एमआरपी है ये कैसे पड़ रहा। जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, मान लीजिए आपका टूथपेस्ट है, वो एक कंपनी के अंदर 35 रुपए का तैयार हुआ है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर कॉस्ट आई है वो मात्र 35 रुपए है। वही चीज होलसेलर के पास में जब जाएगी तो होलसेलर 45 रुपए में सेल करेगा। 45 रुपए से होके बढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद 60 रुपए की, और इस रिटेलर के पास जब आएगी तो 75 रुपए की, ओके। तो इस तरीके से इसका प्राइस बढ़ गया। और जब आप और हम लोग यहां से लेने जाएंगे, यानी कि कस्टमर कष्ट से मरने वाला, तो जब आप और हम एक दुकानदार से सामान खरीदने जाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो वही प्रोडक्ट हमें 100 रुपए का मिलता है। एक्चुअल में इसकी जो कीमत थी कितनी थी, 35 रुपए, पर यहां तक जब हमारे तक ये प्रोडक्ट पहुंचा तो 100 रुपए का हो गया। इसी के साथ में ये बीच में एडवर्टाइजमेंट वाले, यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वही एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे नवरत्न तेल है, ठंडा ठंडा कूल कूल, राइट। इस तरीके से ऐश्वर्या राय बच्चन लक्स साबुन का जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लाइफबॉय का, अजय देवगन, इस तरीके से बहुत और भी सेलिब्रिटी हैं जो हर एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके बदले में करोड़ों रुपए उस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो लेते हैं। आपको मैं बताऊं, एक सेलिब्रिटी एक्टर या एक्ट्रेस जो भी हैं, ये उतना पैसा अपने उस इंडस्ट्री से नहीं कमा रहे, अपने उस काम से नहीं कमा पा रहे, एक मूवी करके नहीं कमाते हैं, जितना ये 20 सेकंड या 30 सेकंड की एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा लेते हैं। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा पैसा यहां से आप कमा सकते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके। ये सेलिब्रिटी भी इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। अब मुझे ये बताइए, 35 रुपए वाली चीज जब आपको 100 रुपए में मिली है तो नुकसान किसका है? क्या एक रिटेलर का नुकसान है, क्या एक डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान हुआ है, एक होलसेलर का, एक कंपनी वाले का, या एडवर्टाइजमेंट करने वाले? आप खुद समझ आ रहे हैं नुकसान किसका है, कस्टमर का, ओके। क्योंकि जेब से पैसा किसके जा रहा है, कस्टमर की जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है। आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं, यहाँ पे आप एक कस्टमर बन के रह जाते हैं, इन लोगों को आप अमीर बना रहे हैं, इन लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं, आपके जेब में कभी भी पैसा रुकता तक नहीं है। लगभग 70% का जो मार्जिन है ये बीच वाले लोग कमा लेते हैं, आपके जेब में कुछ भी बचता नहीं है। अब ये ट्रेडिशनल मार्केट से आप अभी तक की खरीदारी कर रहे थे, इसके साथ साथ में आपको और क्या टोटली लॉस होता है, टोटल लॉस, फायदा कोई भी नहीं है ना, यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी आपको फायदा नहीं होता है, टोटल लॉस है। यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं है। मान लीजिए आप यूज करते हैं कोलगेट, आज आपने कोलगेट को खरीदा, दूसरे दिन आपके आपने जब कोलगेट यूज किया तो आपके दांतों के अंदर ना पेन होना शुरू हो गया, या फिर ठंडा गर्म ये होना शुरू हो गया, और दुकानदार के पास में आप उस टूथपेस्ट को लेके जाइए, किसी
कि सर मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ये मुझे नुकसान हो रहा है, आप इस टूथपेस्ट को वापस कर लीजिए। चैट बॉक्स में बताइए क्या उस टूथपेस्ट को वो सामने वाला जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, क्या उसे वो वापस कर लेगा? और अगर आपने 100 रुपये उस टूथपेस्ट का दिया है, क्या वो 100 रुपये आपको वापस मिल जाएगा? नहीं। यहां पे कोई भी गारंटी और कोई भी क्लेम नहीं मिलता। दूसरा, मिलावटी प्रोडक्ट। आपने देखा होगा बच्चों के प्रोडक्ट, बड़ों के प्रोडक्ट, खूब जब भी नए वो शुरू होते हैं, जब भी उसकी स्टार्टिंग होती है तो खूब बिकता है, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है आपने, उसकी एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना उन पे विश्वास है कि वो अगर प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो अच्छा होगा। वो अच्छा प्रोडक्ट समझ के रिकमेंड नहीं करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो शुरू में बहुत ज्यादा उनकी सेल हुई, अब धीरे धीरे जब उनसे नुकसान होना शुरू हो गए, लोगों को नई नई बीमारियां होना शुरू हो गई, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां शुरू होना स्टार्ट हो गई हैं, शुरू हो गई हैं, तो वो प्रोडक्ट बैन कर दिए गए। आपको पता है लाइफ बॉय साबुन जो नहाने के काम आता है, लाइफ बॉय ज्यादातर लोग यूज करते हैं लाइफ बॉय, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, अच्छा सोप माना जाता है, पर वो अदर कंट्री के अंदर उसे बैन किया हुआ है। उसी साबुन से वो अपने कुत्तों को नहलाते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं ना उनके, उनको नहलाया जाता है, वो खुद नहीं नहाते उनसे। इतना बड़ा नुकसान है। जॉनसन्स बेबी, बच्चों के प्रोडक्ट आते हैं, पाउडर है, लोशन है, इस तरीके से मसाज ऑयल है, तो वो सारे बैन हो गए हैं, क्योंकि उससे बच्चों को कैंसर होने के जो कारण दिखाए जा रहे थे, वो कंपनी बंद कर दी गई है। इस तरीके से हमें सारा ही टोटल नुकसान होता है, मिलावटी प्रोडक्ट मिलते हैं। जब मिलावटी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आप बार बार बीमार होते हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर से आप कभी नहीं पूछेंगे आपका यहाँ कितना पैसा लगना है या कुछ नहीं है, आप बोलेंगे कि मुझे बस ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, वो भले ही आपसे कितना भी पैसा ले ले। ठीक है, समझते जाइएगा, फिर मैं आगे आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊं। मिलावटी प्रोडक्ट मिलेंगे और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे, पैसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 10 साल से आप अपने घर के लिए एक ही दुकान से राशन लेके आते होंगे, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की हमारी जो एक नेचर है कि जिस दुकानदार के पास में हम अपनी खरीदारी करना शुरू करते हैं, वही दुकानदार से हम भी ला रहे हैं, हमारे बच्चे भी ला रहे हैं, उनके बच्चे भी लाएंगे, चाहे वो आपके कपड़े वाला हो, चाहे वो ज्वेलरी वाला हो, चाहे आपके राशन वाला हो, कुछ भी हो, सब्जी वाला, दूध वाला, कोई भी हो, परमानेंटली वो हमारे साथ फिक्स हो जाता है। क्या कभी उसने मौका दिया, एक राशन वाले ने आपको मौका दिया है कि आप इतने सालों से हमारे से राशन लेके जाते हो, आप एक काम करिए, हमारे साथ पार्टनरशिप में काम कर लीजिए, आप लोगों को हमारी दुकान के बारे में बताइए, हम उसके बदले में फ्री प्रोडक्ट देंगे और आप पैसा भी कमा लीजिए। कितने लोगों को ऐसा बोला गया है? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करिए। क्या हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसे कुछ लोग हों? ऐसा भी हो सकता है, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसा कोई हो कि जो बोले कि आप इतने साल से सामान लेके जा रहे हो, आप 10 लोगों को बताओ, मैं आपको फ्री सामान दूंगा। सबके रिप्लाई नो, राइट। अब मुझे बताइए, ट्रेडिशनल मार्केट से, जो मार्केट मैंने अभी आपको रूबरू करवाई है, अगर इस मार्केट से हम लगातार घर का सामान लाते जाएं, लाते जाएं, लाते जाएं, क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है? क्या आपको लगता है कि आप अपना कुछ पैसा कमा पाओगे? आपको लगता है कि आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य उन्हें दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं, अपने सपने, उनके सपने पूरे कर सकते हैं? नो। इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, वो सॉल्यूशन, उसका जो नाम है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर अगर आपने नोट कर लिया तो वेरी गुड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ट्रेडिशनल मार्केट, तो ट्रेडिशनल मार्केट में आपको मैंने जो भी सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी है। डिसीजन आपका है, जिंदगी में आपको करना क्या है।
आपके विचार, आपका डिसीजन, आपकी चॉइस, जैसे आप जीना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। हम आपको या आपकी अपलाइन, आपके सीनियर, ये इस बिजनेस को जिसने भी आपके साथ शेयर किया वो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसे लोग डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, एमएलएम भी बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। इस इंडस्ट्री को काम करते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 से भी ज्यादा साल हो गए, 100 सालों से लगातार ये पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही है, पूरी दुनिया में काम कर रही है ये इंडस्ट्री। और हमारे इंडिया के आप बदकिस्मती लगा लो, कुछ भी कह लो, बैड लक, हमारे हिंदुस्तान में पिछले 28 सालों से ही काम कर रही है, हालांकि इस इंडस्ट्री को 100 साल हो गए हैं पूरी दुनिया में काम करते हुए, और 28 साल हो गए हमारे दुनिया हमारे इंडिया के अंदर ये काम कर रही है, पर सबसे बड़ा जो बैड लक है ना वो अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी तो फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ पा रहा है, पर जब इसकी शुरुआत हुई थी ना तब लोगों को ये जल्दी से समझ नहीं आया। इसे बोला जाता है लोगों को फंसाने का बिजनेस, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, चेन बनाने का सिस्टम, ऐसा ऐसा बोला जाता है। लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, हम तो नहीं करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी को तोड़ रहा है, जातिवाद के नाम पे है, धर्म के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, समाज के नाम पे, ये वो समाज है, ये वो समाज है, ये वो धर्म है, ये वो धर्म है, ये वो जाति है, वो जाति है, इस तरीके से लोगों को तोड़ा जाता है। क्या हम तोड़ने का काम करें, क्या वो सही रहेगा? आप खुद बताइए, क्या हम तोड़ने का काम करें? जोड़ने का काम तो अच्छा है ना, अगर एक ईंट से एक ईंट जुड़ती है वो धीरे धीरे बनता बनता पूरा घर बन जाता है जिसमें वो परिवार अपना जीवन व्यतीत करता है। दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है, तो क्या जोड़ना गलत है? जोड़ना गलत है या सही है वो आप अपने अनुमान से, अपने विचारों से आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। लोग बोलते हैं कि जोड़ने का बिजनेस, चैन बनाने का बिजनेस, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं चैन बनाने का बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने इसकी परिभाषा को थोड़ा गलत कर दिया है। चैन बनाना इलीगल है, चैन बनाना इलीगल है। चैन कैसे बनती है? इस तरीके से चैन इस तरीके से बनती है, अगर ये बीच वाला कोई हट जाए तो ये पूरी चैन टूट जाती है, हमारे किसी काम की नहीं, जो पूरे तरीके से इलीगल है। हमारी गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन बना चुकी है, ये जो चैन बनाने का सिस्टम है ना ये इलीगल है, आज के टाइम में हमारे देश में ये नहीं चल सकता। अगर कोई कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना पैसा या अपना समय वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। हमारा काम है नेटवर्क बनाने का, और नेटवर्क इस तरीके से बनता है, नेटवर्क इस तरीके से बनता है, ठीक है? अब नेटवर्क बनाने में क्या है, अगर ये काम नहीं करेगा तो भी आपका बिजनेस होगा, ये काम नहीं करेगा तो भी आपका बिजनेस होगा। हम नेटवर्क बनाते हैं, पहली चीज ये, हम चैन नहीं बनाते, चैन बनाना इलीगल है, ठीक है? हम नेटवर्क बिल्ड करते, और नेटवर्क बिल्ड करना क्यों गलत है? अब बोलेंगे कि नेटवर्क बनाना भी गलत है, नेटवर्क बनाना भी गलत है। आप मुझे बताइए, आप किसी भी सफल व्यक्ति को सुन लीजिए, किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या इनके पास में अपना नेटवर्क नहीं है? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनके पास में अपना नेटवर्क नहीं है? जियो कंपनी काम कर रही है, क्या इसने अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं किया है? पहले लोगों को बिल्कुल फ्री में डेटा प्रोवाइड करवाया, जब लोगों ने सबने सिम खरीदना शुरू कर दिया, उसका यूज करना शुरू कर दिया, लोगों को हैबिट हो गई, तब वो पेड कर दिया, तब उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया। उसने क्या आजमा क्या किया, जियो रिलायंस के जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया, पहले अपना नेटवर्क ही तो बिल्ड किया है। कोलगेट कंपनी है, टूथपेस्ट का जो कोलगेट है
उसके पास में क्या है, नेटवर्क ही तो है। हम नेटवर्क बनाते, और आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भी सफल हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क की वजह से। रामदेव बाबा सब जानते होंगे, क्या उनके पास में कोई अपना नेटवर्क नहीं है? बिना नेटवर्क बनाए जिंदगी में कभी भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, या जिंदगी में अमीर या पैसा नहीं कमा सकते। तो हम नेटवर्क बनाते, ठीक है। अब नेटवर्क बनाने का या डायरेक्ट सेलिंग को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पहले मैंने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस बताया था, ट्रेडिशनल मार्केट बताई थी। अभी जो प्रोडक्ट आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंज्यूम करते थे वही आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हैं। यहाँ पे एक कंपनी है और यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे कंपनी है और यहाँ पे एक कस्टमर है। बीच के जो लोग होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट करने वाले, वो लोग खत्म, उन लोगों को हटा दिया जाता है। आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, आप एक कंपनी के साथ में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और उस कंपनी से प्रोडक्ट आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। बीच वाले लोगों को कमीशन नहीं दिया जाता, जितना भी कमीशन, जितना भी पैसा होता है वो आपको दिया जाता है। 35 रुपए का यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार होता है और जब आपको मिलता है वो MRP होती है 100 रुपए। अब आप कहेंगे कि 35 रुपए का वहां भी मिल रहा था, यहाँ भी, सॉरी, 100 रुपए का तो वहां भी मिल रहा था और यहाँ भी, तो फर्क कहाँ है? आपको मैं बता दूं, इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने में कोई पैसा नहीं गया है, ठीक है। इस कंपनी ने किसी तरीके का होलसेलर नहीं बनाया है, अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया है, कोई रिटेलर की दुकान पे नहीं गया है प्रोडक्ट, इसलिए आपको यहाँ पे ऑल ओवर 60% का डिस्काउंट मिलता है और 70% का जो मार्जिन है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है। अगर ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती तो आपकी जेब में पैसा नहीं जाता, इसलिए जो वो पैसा बच जाता है वही पैसा हमारी जेब में डाल देती है। सबको सेम पैसा देती है, कंपनी ने अपना प्लान बना रखा है, अपना सिस्टम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग जितना आप काम करते हैं, आप नए हैं और नए कंसल्टेंट का जितना भी कमीशन बनता है वो आपके अकाउंट में डल जाएगा। अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम कर लिया है तो आपका एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग अपने लिए, सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, उस पूरे नेटवर्क का जितना भी बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। इसलिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं वो हमें पैसा देती, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को पैसा नहीं दिया है। ये बोलती है कि आप हमारे लिए आप ही सेलिब्रिटी हैं, हम आम आदमी, जितने भी आम जनता है, ठीक है, वो सब लोग उनके लिए सेलिब्रिटी हैं। वहां पे सेलिब्रिटी बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करके हम भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया आपको? यहाँ पे चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी होलसेलर नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिटेलर नहीं है, यहाँ पे किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, ठीक है, ये सारी चीजें हट जाती है। दूसरा, यहाँ पे टोटल आपको प्रॉफिट होता है, आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, नुकसान आपका कोई भी नहीं है। यहाँ पे जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने बताया आपको कि गारंटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, यहाँ पे 100% की मनी बैक गारंटी होती है। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, खुला हुआ प्रोडक्ट, यूज किया हुआ प्रोडक्ट, 75% प्रोडक्ट आप वापस करके सारा का सारा पैसा रिफंड करवा सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, मिलावटी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होते, कि आज वो प्रोडक्ट चल रहे हैं कल को वो प्रोडक्ट आपको कोई भी नुकसान करेंगे या उससे कोई नई बीमारी आपको हो जाए, चाहे वो आपके बच्चों के प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके पर्सनल यूज में होने वाले प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं और वो भी अनलिमिटेड। तो ये फर्क है ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग के। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना अपना रिव्यू जरूर सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान से इस मीटिंग को सुन रहे हैं।
मैं सभी के चैटबॉक्स में मैसेज देखूंगा। यहां तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया? ओके ओके ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग करने के कुछ और बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। पहला बेनिफिट कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होता है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लगता है। जो प्रोडक्ट आप मार्केट से कंज्यूम कर रहे थे, वहां पे जो पैसा लगा रहे थे, उसी पैसे का यूज आप इस इंडस्ट्री इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पे रिस्क आपका बिल्कुल नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है, क्योंकि लगा आपका कुछ नहीं है। आपने कोई 1-2 लाख 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, जो आपका हो सकता है डूब जाए या आपका बिजनेस नहीं चले तो नुकसान हो जाएगा, तो रिस्क बिल्कुल नहीं है। तीसरा, यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप मार्केट के अंदर अगर एक ड्राइवर की नौकरी भी ढूंढने चले जाएं, तो वहां पे भी आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है। वो 9-10 हज़ार रुपए महीना आपको देने वाला इंसान आपकी क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, पर ये अनलिमिटेड पैसा कमा के देने वाली इंडस्ट्री आपसे एक्सपीरियंस या आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं पूछती। तीसरा, चौथा, यहाँ पे जो बिजनेस है ये फैमिली ट्रांसफर बिजनेस है, यानी कि ये अगली जनरेशन को, आज इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, कल हम अपनी जनरेशन को, जो नई जनरेशन होगी उनको हम दे सकते हैं। तीसरा, ये तीसरी जनरेशन को भी ये बिजनेस शेयर किया जा सकता है। आप अगर गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, अगर आप उस नौकरी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो नौकरी आपकी जॉब आप अपने बच्चों को शेयर नहीं कर सकते। एक ही कंडीशन पे किया जा सकता है, वो आप सबको पता है। अगर इस जॉब को आप कंप्लीट रिटायर होते हैं, कंप्लीटली आप इसको पूरा करते हैं, तो ये जो जॉब है आपकी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट? पर इस बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं 3 जनरेशन तक, और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है। आप अपने अपने अनुसार किस लोकेशन पे करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। तो ये बेनिफिट है, कुछ एडिशनल बेनिफिट है इस बिजनेस के जो मैंने आपको बताया, ठीक है? अब बात करते हैं मोदी की कंपनी की। आप जिस बिजनेस में, जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसका नाम है मोदी केयर। अब मोदी केयर कंपनी क्या है? मोदी केयर कंपनी एक मोदी ग्रुप की कंपनी है, मोदी इंटरप्राइजेस, जो पिछले 80 से ज्यादा साल हो गए हैं, 80 सालों से ज्यादा का समय हो गया है इस मोदी ग्रुप को काम करते हुए। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मोदी नगर है, ठीक है, एक शहर बसा हुआ है मोदी नगर के नाम से, जहां पे सन 1933 के अंदर शुगर मिल की स्थापना करके इस मोदी ग्रुप के जो ओनर हैं, राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, सन 1933 में 400 रुपए से शुरुआत की थी उन्होंने, और एक बेगमाबाद के अंदर शुगर मिल की स्थापना की, ठीक है? और मोदी केयर कंपनी की जो शुरुआत है सन 1996 में हुई है। जैसे मोदी नगर है, मोदी ग्लास है, मोदी धागा है, ठीक है, और इसके साथ में मोदी मिल है, मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। इस तरीके से आपको बहुत सारे और भी कंपनीज देखने को मिलेंगी। टोटली टोटली 27 अलग अलग कंपनियां मोदी ग्रुप की हैं, जो 90 से ज्यादा देशों के अंदर काम कर रही हैं, उनमें से एक हिस्सा है मोदी केयर। अब मोदी केयर कंपनी का जो विजन है, उनका एक लक्ष्य है, घर घर आजादी। वो चाहती हैं, हमारे जो कंपनी के मालिक हैं उनका नाम है मिस्टर समीर मोदी जी, जिन्होंने सन 1996 में, 30 मार्च 1996 में मोदी केयर कंपनी की शुरुआत की। और इनका एक ही सपना है, घर घर आजादी, हर एक व्यक्ति को आर्थिक आजादी दिलवाए, और उसी पे ये लगातार काम करते जा रहे हैं। क्या सबको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर नहीं है? प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें, वॉइस क्लियर है? चलिए, ठीक है। और मोदी केयर कंपनी के पास में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जो सुबह से लेके शाम तक आप सारे यूज करते ही हैं। जैसे आपकी पर्सनल केयर होगी, टूथपेस्ट, साबुन, सर्फ, ये सारी चीजें लॉन्ड्री केयर में आ जाती हैं। कुछ कुछ आपके घर में साफ सफाई के प्रोडक्ट आ जाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसके भी प्रोडक्ट हैं। आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें, अपने आप को फिट रख सकें, तो उसके ऊपर फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो चीजें आप वेजिटेबल, फ्रूट,
हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से जल्दी बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, एक्चुअली क्या बीच में कॉल आ गया। ठीक है, तो टोटली प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं मार्केट से, वही सारे प्रोडक्ट मोदी केयर कंपनी के पास है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे थे, आप देखिएगा कि उसमें आपको क्या क्या फायदा मिल रहा था। मैं आपको फायदे बताने वाला हूँ मोदी केयर कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करने के। ठीक है, चलिए, तो मोदी केयर कंपनी से अगर आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है 20% का डिस्काउंट। सबसे पहला बेनिफिट है कम से कम 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है 10% एक्स्ट्रा गिफ्ट। वो भी प्रोडक्ट के रूप। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि कम से कम अगर 1,000 रुपए की खरीदारी होती है तो कंपनी 100 रुपए का, 2,000 की खरीदारी पे 200 का, 3,000 की खरीदारी पे 300 और 5,000 की खरीदारी पे 500। दूसरा बेनिफिट है 10% एक्स्ट्रा गिफ्ट के रूप में प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री देती है। 1,000 रुपए की खरीदारी होती है तो 100 रुपए का, 2,000 की खरीदारी होती है तो 200 का, अगर 3,000 की खरीदारी आप करते हैं तो 300 का, अगर 5,000 की खरीदारी होती है तो 500 रुपए तक का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तीसरा, 7 से लेके 16% का कैशबैक। 7 से लेके 16% का कैशबैक। अगला बेनिफिट, 100% गारंटी। 100% गारंटी, मनी बैक, सर्टिफिकेशन गारंटी। ठीक है, पांचवा बेनिफिट लॉयल्टी बेनिफिट। अब आप मुझे बताइए, ये पांच बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं। जब आप मार्केट से प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको मिलता है एमआरपी पे। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट आपको नहीं मिलता। दूसरा, 10% एक्स्ट्रा गिफ्ट आपको मिल जाता है 1,000 रुपए की खरीदारी पे 100 का, और ज्यादा से ज्यादा 5,000 की खरीदारी पे 500 रुपए तक का सामान आप फ्री ले सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलता। तीसरा, 7 से 16% का कैशबैक। हमारे पास में 70 रुपए की टूथपेस्ट है, अगर आप वो 70 रुपए की टूथपेस्ट भी कंज्यूम करते हैं तो उसमें से भी ढाई ढाई रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं होता। अगला मैंने बताया 100% की गारंटी। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो उस प्रोडक्ट को आप वापस करके अपना पैसा रिफंड करवा सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको मिलता है, नहीं मिलता ऑप्शन। लॉयल्टी का बेनिफिट, पिछले 10 साल से 15 साल से आप एक ही दुकान से सामान लाते हैं, कभी भी उस दुकानदार ने आपको 1,000, 2,000 या 10,000 का सामान लेने पे कोई भी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री में नहीं दिया। चिप्स का पैकेट या बिस्किट का पैकेट भी आपको कभी फ्री नहीं दिया होगा। मोदी केयर कंपनी आपको 1,800 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक, अगर आप 6 महीने लगातार अपने घर के लिए सामान परचेज करते हैं, तो 7वें महीने में कंपनी आपको एवरेज अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल फ्री में देगी। अगर इसे 12 महीने कंटिन्यू करते हैं तो 13वें महीने में कंपनी आपको डबल प्रोडक्ट फ्री देगी। डबल प्रोडक्ट आपको फ्री देगी, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊं। ये पहले बेनिफिट देख लीजिए, लॉयल्टी का बेनिफिट मार्केट में आपको नहीं मिलता। अब आपके पास में एक चॉइस है, आप कहाँ से सामान खरीदना पसंद करेंगे। मैं आपको नेटवर्क बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई टीम बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कोई आपको काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ जो मार्केट से आप प्रोडक्ट ले रहे थे वही सारे प्रोडक्ट आप मोदी केयर से लेके ये सारे बेनिफिट ले सकते। अब आप मुझे बताइए, आप कहाँ से लेंगे, मोदी केयर से या फिर मार्केट से? सबके चैट बॉक्स में रिप्लाई आने चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। आप मोदी केयर से लेना पसंद करेंगे या फिर मार्केट से? मोदी केयर से, वेरी गुड। अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि हमारे मोदी केयर में अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर आपने 100 रुपए का लेते हैं मार्केट से, वही प्रोडक्ट आपको हमारे यहाँ 40 रुपए का भी मिलेगा। वही प्रोडक्ट आपको 40 रुपए तक का मिल जाएगा।
क्योंकि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये क्या करते होंगे, मोदी केयर कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी होती हैं अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देती हैं और उस महंगे प्रोडक्ट में से हमें कुछ पैसा कमीशन के रूप में दे देती हैं, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब मान के चलते हैं आपकी 12 महीने की शॉपिंग, उदाहरण के लिए आप 1 साल के लिए मोदी केयर के साथ जुड़ गए और लगातार सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि आप जब मार्केट से सामान लाते हैं ऐसा नहीं है कि 1 महीने ले आए, 6 महीने लाना नहीं पड़ेगा, हर महीने सामान आते हैं, हर महीने सामान आते हैं घर में, है ना। टूथपेस्ट अगर लेके आए तो वो खत्म भी होगी, साबुन लेके आए तो वो खत्म भी होगी, चाय पत्ती लेके आए तो महीने में खत्म भी होगी, दूसरी बार लाना पड़ेगा। तो वही चीज आपने मोदी केयर से की 12 महीने तक। एक बढ़िया की दुकान से आप पिछले 10 साल से ला रहे हैं, 1 साल के लिए मोदी केयर से लाके देखिए, आप वहीं पे भी बचत कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में जो सामान आता है उसकी कीमत है 3600 रुपये, मार्केट के अंदर उसकी जो कीमत है 3600 रुपये, पर वही सामान मोदी केयर से आपको मिलेगा 3000 रुपये का, मोदी केयर से आपको मिलेगा मात्र 3000 रुपये का। अब उसको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा 1 साल के। पहला मैंने बेनिफिट क्या बताया था, 20% का डिस्काउंट, तो आपको डिस्काउंट मिल गया 600 रुपये का, मार्केट में 3600 गए आपको 3000 का मिल गया, ये 12 महीने तक लगातार मिलेगा। दूसरा, 3000 की खरीदारी करने पे 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ्री, तो 300 रुपये का ये प्रोडक्ट फ्री हो गया, ये भी 12 महीने कंटिन्यू मिलेगा। 7 से 16% का कैशबैक, तो कम से कम 100 रुपये का कैशबैक आपको मिलेगा 12 महीने तक। लॉयल्टी का बेनिफिट, 6 महीने कंटिन्यू करने पे 7वें महीने सामान आपको फ्री मिलेगा, 3000 की खरीदारी करनी है 6 महीने कंटिन्यू तो 7वें महीने 3000 का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और फिर 12 महीने कंटिन्यू कर लिए तो 13वें महीने के अंदर 3000 प्लस 3000, टोटल यहाँ पे 6000 का सामान फ्री मिलेगा। अब इसको टोटल करके देखो, 7200, 3600, 1200 और यहाँ पे 9000, ये टोटल आपके 1 साल के बेनिफिट हैं। इसको टोटल कैलकुलेट करके देखिएगा, 21000 रुपये का टोटल बेनिफिट है, ये 21000 की क्या है, बचत, 21000 रुपये की क्या है, बचत है आपकी। आपने 3000 3000 करके 12 महीने में कितना पैसा लगाया था अपनी जेब से, 36000, जिसमें से 21000 रुपये आपकी बचत है, आपको कितना पैसा लगाना पड़ा, 15000 रुपये। 36000 रुपये का सामान मात्र आपको 15000 रुपये में मिल जाएगा, 36000 रुपये का सामान सिर्फ और सिर्फ आपको 15000 रुपये में मिल जाएगा, और इसी के साथ पैसा कमाने का मौका और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को यूज करके आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिट रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर के पास पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा भी बच जाएगा और ये 21000 रुपये की बचत भी कर लेंगे। तो ऑल ओवर हमारे सारे प्रोडक्ट पे 60% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या अभी भी आपके माइंड में चल रहा है कि मार्केट का प्रोडक्ट ही बेस्ट है, हमारे यहाँ प्रोडक्ट महंगे हैं? कितने लोगों को लगता है कि मोदी केयर में प्रोडक्ट महंगे हैं? कितने लोगों को लगता है कि मार्केट में प्रोडक्ट सस्ता मिल जाएगा, है ना, और मोदी केयर में प्रोडक्ट महंगे? तो ये आपके सामने है, जो प्रोडक्ट मार्केट से आप 100 रुपये का लेंगे वही प्रोडक्ट 60% डिस्काउंट यानी कि 40 रुपये का आपको मोदी केयर में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब मैं और बता देता हूं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है और मोदी केयर। देखिए, क्वालिटी नाम की एक चीज होती है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर अगर आप शर्ट लेने जाएं, कपड़ा लेने जाएं, मार्केट में 100 रुपये का भी है और 1000 रुपये का, 2000 रुपये का भी वही चीज मिल जाएगा आपको, पर उसके अंदर क्वालिटी के अंदर फर्क होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट के 10 रुपये के प्रोडक्ट के साथ हम आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत। आपको अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना ही है तो मार्केट के जो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो एक बड़े ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, उस ब्रांड के साथ में कंपैरिजन करें,
उसके अंदर जो जो चीजें पाई गई हैं उसका आप अच्छे से समझिए, उसका नॉलेज लीजिए कि हमारे जो मोदी केयर के प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें इंग्रेडिएंट जो पाए गए हैं वो क्या है और मार्केट में क्या है, मार्केट में जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो किस तरीके से तैयार होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, वो मार्केट का प्रोडक्ट आपको किस तरीके से नुकसान कर सकता है, केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज करके आपको क्या नुकसान होगा, आज नहीं तो कल परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद में उसका क्या नुकसान आपको फेस करना पड़ सकता है। सस्ता और महंगा दोनों ही चीज होती है, ठीक है। मार्केट में 500 रुपए की भी शर्ट मिल जाएगी और 5,000 रुपए की। अगर 5,000 रुपए की शर्ट आप खरीदते हैं तो उसके अंदर क्वालिटी भी वैसी होगी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए चैटबॉक्स में, फटाफट से क्लियर लिख दीजिए। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप मोदी केयर में शुरू करते हैं अपना बिजनेस, मोदी केयर से आपने अपने लिए कुछ खरीदारी की, ठीक है। अब उस खरीदारी के द्वारा आप धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ते हैं? आपको मैं बता दूं, अगर आप मोदी केयर में 2 रुपए की खरीदारी करते हैं तो उसके बदले में 1 BV यानी कि बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है, एक बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। अब इस बिजनेस वॉल्यूम, 27 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर एक पीवी होता है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा, अगर फिर भी डाउट रह जाए दोबारा बता दूंगा, समझने की कोशिश करिए। 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल जाता है, ठीक है, और 27 बिजनेस वॉल्यूम का एक पॉइंट वैल्यू मिल जाता है। अब जो आपकी इनकम आती है वो इस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आती है, जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम आती है, और पॉइंट वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। अब आपको मोदी केयर में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पॉइंट वैल्यू। आपको इनकम बड़ी चाहिए तो आपको बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपने 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम बना लिया अपना, वैसे ही अगर आप अपने 100 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपने 1,000 रुपए का कुछ भी खरीदा तो बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा? अगर आपने 5,000 रुपए का कुछ खरीदा तो बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा चैट बॉक्स में बताइए। अगर 100 रुपए का कुछ भी खरीदा है तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 50 है, 1,000 रुपए का खरीदा है तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 500 है, अगर 5,000 का खरीदा तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 2,500। यानी कि जो अमाउंट आपने लगाई है उस अमाउंट का 50% आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और उसी बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट वैल्यू मिलता है। अब जैसे आप मोदी केयर में ज्वाइन होते हैं आप एक वहां पे कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है, आप एक कंसल्टेंट के रूप में ज्वाइन होते हैं। जो शुरुआत में आपका लेवल होता है वो 7% होता है, 10, 30, 50 और 60। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपने लेवल्स को अचीव करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको पीवी का ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पॉइंट वैल्यू बताया था, ठीक है। अब मान लीजिए आपने लगभग 54 रुपीज की शॉपिंग की तो आपको एक पीवी मिल गया, 54 रुपीज की शॉपिंग की है तो एक पीवी मिल गया। अब अगर एक पीवी है, अगर 300 पीवी से नीचे तक का है तो आपका जो लेवल होगा वो 7%। अगर आपने 300 से बढ़ा के 1,200 तक ले गए तो 10% है, 1,200 से नीचे है तो 10% है। अब 1,200 से 2,700, 2,700 से नीचे नीचे अगर बिजनेस पॉइंट वैल्यू है तो आपका 13% है, 2,700 से ऊपर और 4,000 से नीचे तो 15% है, और जैसे ही आपका 4,000 प्लस पॉइंट वैल्यू हो जाता है तो आपका जो लेवल है वो 16%, और कंपनी के आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं डायरेक्टर। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने शॉपिंग की तो आपका जो 7% लेवल होता है, ठीक है, और ये जो पॉइंट वैल्यू है ना वो
वो सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि अपनी खरीदारी से बनाना होता है। आपने 2 लोगों को 10 लोगों को बताया, मान लीजिए आपने खरीदारी की है 100 पॉइंट वैल्यू, ठीक है, 100 पॉइंट वैल्यू की, ऐसे 2 लोग और आपने ज्वाइन करवाए, उनको भी 100-100 का करवाया, तो तीनों का मिला के कितना हो गया टोटल, 300 पीवी। अब जैसे ही आपका 300 पीवी हो जाएगा, आपका लेबल 10% हो जाएगा। जहां पे आपका कैशबैक 7% आ रहा था, वहीं पे 10% आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा के, उनकी हेल्प करके, उनको अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करके अपने ये लेवल्स धीरे धीरे बढ़ा सकते। अच्छी चीज इसमें क्या है कि कभी भी ये जो पॉइंट वैल्यू है आपका जीरो नहीं, कभी भी जीरो नहीं होगा। इस महीने आपने ज्वाइन किया, आपने 50 या 100 पॉइंट का अपना खुद के लिए ऑर्डर लगाया और बट किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाए, किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि अगर आपने ज्वाइन नहीं करवाया तो यहाँ आप नहीं पहुंच सकते। आप धीरे धीरे अपनी खरीदारी के द्वारा, इस महीने 50 100 पीवी का ऑर्डर किया, अगले महीने 50 या 100 का किया, तो टोटल दोनों मिल जाए। जुड़ते हुए कर्म में ये पॉइंट वैल्यू आपको बनाने की जरूरत होती है, और धीरे धीरे जब 4,000 से प्लस आपके पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं, तो आपका जो लेवल है 16% होता है, टाइटल आपका डायरेक्टर हो जाता है, और डायरेक्टर होने पे 4% अलग से आपको इनकम आना शुरू हो जाती है, जो आपका ये एक बेस लेवल है। इससे नीचे नीचे तो ये समझिए कि आपकी ट्रेनिंग है। जैसे कोई डिप्लोमा डिग्री कोई बच्चे करते हैं ना, है ना, कंप्यूटर का कोई कोर्स करते हैं, तो उनको 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है, उसके अंदर कोई नौकरी के अंदर जो पैसा तो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये समझिए कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है, धीरे जुड़ते हो क्रम में धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच जाओगे और आपका डायरेक्टर लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है आपको। जुड़ते हुए क्रम में आपको 16% पे पहुंचना होता है, और यहां पहुंचने के बाद में डायरेक्टर बोनस आपको मिल जाता है। अब मैं छोटी छोटी आपको इनकम बता देता हूं जो कंपनी आपको देती है। अब जैसे मान लीजिए आप यहां पे हैं, अब यहां पे आप 16% पे पहुंच गए, आप पहुंच गए 16% पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी आपको 4% डायरेक्टर बोनस देना शुरू कर देगी अलग से, ठीक है। और मान लीजिए जैसे जुड़ते हुए कर्म में आप 16% पे पहुंचे हैं, यहाँ पे कोई बंदा आपके साथ में जुड़ते हुए कर्म में 16% पे पहुंच जाता है, तो कंपनी आपको ये 4% डायरेक्टर बोनस के साथ में ट्रेवल फंड भी देना शुरू कर देगी। ट्रेवल फंड कंपनी आपको पैसा पैसा देगी घूमने के लिए, इंटरनेशनली 2 ट्रिप मिलते हैं 1 साल में, तो वो कंपनी ट्रेवल फंड के लिए पैसा आपको देना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे आप 16% में डायरेक्टर बनते हैं, जैसे ही आपके नीचे कोई एक डायरेक्टर आ जाएगा, आपका जो लेवल है सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा, और कंपनी के अंदर आप ट्रेवल फंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही कोई दूसरा डायरेक्टर आ जाता है, तीसरा डायरेक्टर आ जाता है, तो कंपनी के अंदर आप कार फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ये एक बंदा 16% पे आया था, यहाँ पे 3 लोग 16 16 16% पे आ जाएंगे, तो आपका जो कार फंड है कंपनी की तरफ से आना शुरू हो जाएगा। जो एक बार अगर शुरू हो गया, जब तक आप मोदी केयर करेंगे तो लगातार आता रहेगा, लगातार आता रहेगा और बढ़ते हुए क्रम में आता रहेगा। यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर थे, आप यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ट्रेवल फंड कार फंड होम आपने अचीव कर लिया, अब आपको हाउस बोनस अचीव करने की जरूरत है। जिस तरीके से ये 4 लोग डायरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 लोग डायरेक्टर जब पहुंच जाते हैं जुड़ते हुए क्रम में, तो आपको हाउस बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। कंपनी की तरफ से ये एडिशनल इनकम के रूप में आपको ये सारे फंड, ये बोनस दिए जाते हैं, घूमने के लिए पैसा, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा, और हाउस घर खरीदने के लिए पैसा, जो हर किसी का सपना होता है। तो वो सारे सपने आप यहाँ से पूरे कर सकते हैं, विदेश की यात्राएं, कार अपने मन पसंदीदा आप ले सकते हैं, जितना बड़ा पैसा होएगा उतनी बड़ी कार आप यहाँ से ले सकते हैं, घर बनाने के लिए पैसा कंपनी की तरफ से ले सकते हैं,
करना क्या है, जुड़ तो कर में 16% पे आपको पहुंचना है, और आपके कोई 6 बंदे, चाहे वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये 16% में जुड़ते हुए कर में पहुंच जाएंगे, तो ये तीनों के तीनों जो बोनस है वो मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। मोदी केयर बिजनेस इतना सा है, मोदी केयर बिजनेस इतना सा है, यही काम आपको करना। अब इस जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मेंशन करिए। अगर यहां तक आपको समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, कोई आपका सवाल है, तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए। जिन लोगों को क्लियर है वो क्लियर लिख सकते हैं, फटाफट से क्लियर भी लिख सकते हैं, जिन लोगों को समझ में आ गया। जो नए लोग हमारे साथ में थे, जिन्होंने अभी तक बिजनेस को शुरू नहीं किया है, तो आपको मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे आपको समझ में आया है, चाहे आपको नहीं भी समझ में आया है, एक बार इस बिजनेस को शुरू कर लीजिए। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने आप सीखने पे फोकस करिएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इस बिजनेस को अच्छे से सीख लिया, अगर आपने समझ लिया, तो इस बिजनेस को करना आपकी एक हैबिट हो जाएगी। हमारे मोदी के प्रोडक्ट यूज करने की एक आपको आदत हो जाएगी, जब आपने लगातार 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हमारे प्रोडक्ट यूज किए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में करोड़ों रुपए हैं, एक अपना बिजनेस है, एक अपना रोजगार है, सब कुछ है उनके पास, पर वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। वो प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मैं आप सभी से कहूंगा कि हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट एक बार यूज करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो फिर कहिए। और अगर बिजनेस को आपने समझ लिया, तो हो नहीं सकता कि आप इस बिजनेस को करें नहीं, चाहे आपको समझ में आए, चाहे टीम बने, चाहे नहीं बने, फिर भी लगातार करते रहिए। हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप शुरू करेंगे तो तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक आईडी एक्टिवेट नहीं की है, वो अपनी आईडी को एक्टिवेट करिए, और जिनका 30 PV से नीचे का शॉपिंग है, वो अपना कम से कम 30 PV का शॉपिंग कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के ट्रेनिंग सेशन आपको लगातार मिलते रहे। हमारे ये सेशन लगातार होंगे, हर रोज 3:30 बजे ये मीटिंग होगी। इसी तरीके के और नए नए टॉपिक, जैसे अगर मोदी केयर से आपको कार अचीव करनी है, उसके लिए राइट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आप काम करें, आपका आपको एक रोड मैप बना के दिया जाएगा, जिसपे आप आसानी से काम करके और अपने लिए कार भी खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं। आप मोदी केयर से 10,000 रुपये महीना लेके 1 लाख रुपये महीना कैसे कमाएं, उसके बारे में जो आपको नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो आपको राइट स्ट्रक्चर जो देना चाहिए, वो आपको एक मीटिंग के थ्रू दिया जाएगा। ये सेशन हमारे लगातार चलते रहेंगे, बट एक ही कंडीशन है, इस सेशन को अटेंड करने के लिए कम से कम 30 PV का शॉपिंग आपका होना चाहिए। हमारे पास में लिस्ट है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, 30 PV की शॉपिंग में जिनका नाम है, ये जो मीटिंग का लिंक है सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग नए हैं, अगर आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, तो प्लीज कम से कम 30 PV से अपनी आईडी एक्टिवेट करिए। 30 PV का मतलब ये है 1800-2000 रुपए की शॉपिंग, 1800+ की शॉपिंग करेंगे, 6 महीने बाद में 7 महीने सामान फ्री मिलेगा। 2000 की शॉपिंग करेंगे तो घर पे प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे नीचे की शॉपिंग होती है तो 77 रुपये शिपिंग चार्ज लगता है। 2000 की शॉपिंग करेंगे, 30 PV होगा, और 30 PV होने पे आपको ये सेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस सेशन के जो रिव्यू हैं, आप अपने अपने ग्रुप में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू सो मच।